ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेटे ले देख इसके ऊपर कौन सी आत्मा का साया है। प्रकट हो, प्रकट हो, बता क्या चाहती है तू, बता। मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से, चली जा वरना मैं तुझे डालूंगा। भाई मुझे तो लगता है कि पापा का किसी क्षण चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ पापा फोन पे लगे रहते हैं हर समय। भाई तू सही कह रहा है, मैंने भी देखा है पापा पूरे दिन बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि पापा का चक्कर ना बूढ़ी की बहू के साथ चल रहा है। तुझे कैसे पता है बूढ़ी की बहू से चल रहा है? देखता नहीं है पूरे दिन पापा चमेली की बातें करते रहते हैं कि चमेली ऐसी है चमेली वैसी है। तो अपने कर भी कह सकते हैं भाई, पापा से कुछ कहा तो वो पीटेंगे। और बस एक बार पापा कपड़े दिला दें उसके बाद ना सारी बात मम्मी को बता दूंगा मैं। चल भाई पहले भैंसों के लिए नियार काट ला रहे हैं, चलो फिर। पापा से कह दूंगा आज तू पढ़ो ना है ना, तू लेके जाओ मैं नियार काट के लेके ना ना लेके जाऊंगा। हट हट जा चांद ले हट हट आज हटो तू आज फिर कहो मैं पापा से कह दूंगा रख ले चांद पे। चलो दौड़ ले जा चल ले गाड़ी पर रखेंगे रख जा गाड़ी पर चला बैठ अंडा क्या अंडा किसे बोल लिया रे? तीन की निगाह है मेरी उड़ती हुई चिड़िया के पार गिन लूं मैं। चलते
भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। चलो सोएंगे फिर। चलो तेरी मौत। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अपनी आजादी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। 1000 साल पहले मुझे यहाँ एक श्राप मिला था। क्या सा श्राप? यहाँ पर एक ऋषि की मैंने तपस्या भंग कर दी, तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। तब से मैं यहीं पर भटक रही हूँ और आज मैं आजाद हो जाऊंगी। वो कैसे? मैं समझा नहीं। क्योंकि आज तूने इस 1000 साल पुराने टोटके पर पैर रख के मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं तुझे मारकर आजाद हो जाऊंगी, क्योंकि उस ऋषि ने बताया था अगर कोई इंसान इस टोटके पर पैर रख देगा तो वो दिन तेरी आजादी का दिन होगा। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? भाई कल अपने नियार लेने गए थे, पता है तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? वहां पर किसी टुकटे पर मेरा पैर पड़ गया, तब से मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या मतलब है तेरा? तुझे पता है जब नियार लेने गए थे तो मेरी उंगली कट गई, तार पे से गिरने को बच गया और गाड़ी भी ठुक गई थी। भाई मुझे एक सपना आया था, मुझे एक भूतनी गला दबा के मारना चाहती थी। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुझे कल मैं बाबा के पास लेकर चलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए सो जाते हैं। चल भाई। बाबा की मड़ी कितनी दूर है भाई? अरे पास में ही है, ज्यादा दूर ना है अब। अरे मैं तो थक गया यार। देख वो रही बाबा की मड़ी। चलो ओम नमः शिवाय। 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 चामुंडा वाले बाबा की जय हो। तू भी तो कुछ बोल। गुड मॉर्निंग बाबा। इंग्लिश का 14 बनने आए बाबा के सामने, हिंदी में बात कर। हिंदी में नमस्ते बाबा। मूर्ख बालक, बाबा की जय होती है जय। माफ करो बाबा, मुझे माफ करो। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बताओ बेटे क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा आप हो या मैं? ला बेटे हाथ दिखा। बच्चा तेरी राशियों में शनि बैठा है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। तेरी बीवी ने तुझे धोखा दे दिया, तेरे बाली बच्चे और तुझे साथ नहीं दे रहे हैं। बच्चा समस्या तो बहुत बड़ी है पर इसका समाधान भी हो जाएगा। क्या बाबा? इसके लिए तुझे एक महायज्ञ करवाना पड़ेगा और उसका खर्चा 50,000 रुपए आएगा और 2 नारियल। ये बाबा 50,000? हाँ बच्चा 50,000 रुपए देगा तभी तेरे समस्या का समाधान होगा। अरे बाबा ये तो बताओ समस्या क्या है? समस्या बहुत बड़ी है बेटे तेरी, तेरी बीवी भाग गई जिसके कारण तेरे बच्चे जमीन हड़पना चाह रहे हैं तेरी। चल जाटू, नहीं मेरी कोई शादी हुई है, नहीं मेरे बाली बच्चे हैं, मेरी एकदम फर्स्ट क्लास बॉडी है। गलती हो गई बेटे, मैंने इसके बारे में बता दिया। साले बाबा ऐसे भर के डाप्टे मारूंगा ना यही तमाड़ खाएगा। मेरी उम्र देख के लग रहा है मेरी शादी हो गई होगी अभी। कैसे झांडू बाबा के ले आये तू? चल यहाँ से। रुको। क्या बाबा? अगर तुम बाबा को 1 पौआ के पैसे दो तो बाबा तुम्हें राज की बात बताएगा। बताओ बाबा। पहले पौआ लो बाबा। लो बच्चा। तो सुन बच्चे, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 10 मील दूर मड़ी पर एक डमरू वाले बाबा होंगे, वही तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे। जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। चल भाई चल। चल भाई चल। चल चलो, पौए का इंतजाम तो हो ही गया आज।
बस थोड़ी दूर और, उस ढोंगी बाबा ने बताया था ना, वो यही लग रहा है। चलो फिर। नहीं नहीं, देख वो रहा बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। किसका इतना उत्साह जिसने मेरी तपस्या भंग की? मूर्ख प्राणी, तुमने मेरी सालों की तपस्या में बाधा डाली है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं बाबा नहीं, हमें माफ कर दो, हम एक विनती लेके आए हैं। बता बालक, क्या विनती है तेरी? बाबा, मेरे पीछे एक बुरी आत्मा का साया है। बेटे ले देख, इसके ऊपर कौन सी आत्मा का साया है। रुजी मेरी एक सी बात नहीं है। बच्चा, तेरे ऊपर एक बहुत बुरी आत्मा का साया है, तूने 1000 साल पुरानी आत्मा को ललकारा है। कल जब तू किसी काम से जा रहा था, तूने 1000 साल पुराने टोटके में पैर रखा है, वो आत्मा तेरे पीछे पड़ गई, वो तेरे जान से मारना चाहती है। बाबा ऐसा मत कहो, इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान है, पर बच्चा बहुत कठिन है। बाबा मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुन फिर, यहाँ से थोड़े ही दूर एक कुंड पड़ेगा, अगर तू उस कुंड का जल उस आत्मा के ऊपर डाल देता है तो वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और फिर कभी वो किसी को नहीं सता पाएगी। पर हाँ, अगर वो जल आज अगर उस आत्मा के ऊपर नहीं डाला गया तो वो आत्मा कभी नहीं मरेगी, क्योंकि आज के दिन उस आत्मा की सारी शक्तियां कमजोर होती हैं, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है। किसी तरह वो जल लाओ और जल्दी उस आत्मा के ऊपर डाला जाए तो वो तुम अपनी जान बचा सकते हो। पर बाबा उसके ऊपर जल कैसे डालेंगे हम? उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस जल लेके आओ, तब तक मैं उस आत्मा को प्रकट करता हूँ। जल्दी जाओ और जल लेके आओ। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। बता क्या चाहती है तू, बता, बता, बता क्या चाहती है तू, क्यों सताती है तू अनजानों को? उसने मेरे टोटके में पैर रखा था। तो तू क्या किसी को ही मार डालेगी? मुझे बता रहा था। बता, बता क्या चाहती है तू, बता। मौत। बता क्या हुआ तेरे साथ? उसने मेरे टोटके में पैर रखा था। तू उन दोनों को छोड़ दे, मैं तेरे वरना भस्म कर दूंगा। नहीं। छोड़ दे उन दोनों को। नहीं। लो बाबा चल। मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। चली जा वरना मैं डालूंगा।